हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेज नंबर 73 और हमारा टॉपिक है 8.9 द फॉक्स एंड द क्रेन। फॉक्स यानी लोमड़ी और क्रेन यानी सारस पक्षी। लुक लिसन एंड इनएक्ट, देखो सुनो और करो। बच्चों तो शुरू करते हैं। वंस अ फॉक्स मेट अ क्रेन। एक बार क्या हुआ, एक जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो क्रेन यानी सारस पक्षी से मिली और वो बोली, हेलो क्रेन, हाउ आर यू। क्रेन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो क्रेन ने कहा, आई एम फाइन, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। और उसने लोमड़ी से पूछा, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। लोमड़ी ने कहा, आई एम फाइन, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और लोमड़ी ने सारस से कहा, क्रेन, डू यू लाइक खीर। उसने पूछा कि क्या तुम्हें खीर पसंद है। फिर क्रेन ने कहा, ओ यस, आई लव खीर, हाँ मुझे खीर बहुत ज्यादा पसंद है। देन द फॉक्स सेड, देन कम टू माई हाउस। फॉक्स क्या कहती है, तो फिर क्या देरी है, आ जाओ मेरे घर पे तुम। वी विल हैव खीर, हम क्या करेंगे, खीर खाएंगे। एंड क्रेन वेंट टू फॉक्स हाउस, ये जो सारस पक्षी था ये फॉक्स के घर गया। फॉक्स सर्व्ड खीर इन टू डिशेज। फॉक्स ने क्या किया, लोमड़ी ने खीर को दो अलग अलग तश्तरियों में, देखो बच्चों, परोस दिया। सर्व्ड करना मैंने परोसना, और कहा, ईट अप योर खीर क्विकली, देन आई विल गिव यू सम मोर। ये लोमड़ी कहती है क्रेन को, तुम अपना खीर जो क्विकली खत्म कर लो झट से, उसके बाद मैं क्या करूंगी, आई विल गिव यू सम मोर खीर, मैं तुम्हें और भी खीर दूंगी खाने के लिए। पुअर क्रेन, बिचारा सारस, ही कुड नॉट ईट क्विकली फ्रॉम द डिश। बच्चों सारस पक्षी को, जैसे कि आप जानते हो, इसकी चोंच लंबी होती है, तो ये लंबी वाली चोंच से, यहाँ से वो प्लेट में से खाना उठाकर नहीं खा सकता है बच्चों। और ये क्या, वो क्या कर रहा था बेचारा, जल्दी से खा नहीं पा रहा था। फॉक्स एट अप ऑल द खीर। फॉक्स क्या की, लोमड़ी जल्दी जल्दी अपना सारा खीर खा गई। ही बिगिन टू लाफ, और वो क्या करने लगी, हंसने लगी, हा हा हा। क्रेन सेड, क्रेन ने क्या कहा, फॉक्स कम टू माई हाउस टुमारो, वी विल हैव सम मोर खीर। क्रेन कहता है कि एक काम करो लोमड़ी, तुम कल मेरे घर पे आ जाओ, हम और खीर खाएंगे कल। फॉक्स वेंट टू क्रेन्स हाउस। फॉक्स क्या किया, क्या की, उसके क्रेन के घर गई। क्रेन सर्व्ड खीर इन टू टॉल पिचर्स। पीछे से आने बच्चों, इस तरह घड़ानुमा लंबे मटके में उसने क्या किया, खीर को परस दिया और कहा, ईट अप योर खीर क्विकली। क्रेन ने सेम, लोमड़ी ने जिस तरह से कहा था, क्रेन ने भी उसी तरह लोमड़ी से कहा, ईट अप योर खीर क्विकली, आप क्या करो, अपना खीर जल्दी जल्दी खा लो। देन आई विल गिव यू सम मोर, और फिर मैं क्या करूंगी, तुमको और खीर दूंगी खाने के लिए। ये देखिए बच्चों, लोमड़ी के मुंह से किस तरह से पानी टपक रहा है, लेकिन ये अपना मुंह इस मटके में, इस पिचर में डाल के खा नहीं पा रही, और ये सारस अपनी चोंच आराम से डाल के अच्छे से खा रहा है। पुअर फॉक्स, बिचारी लोमड़ी, ही कुड नॉट ईट क्विकली, वो नहीं खा पा रही थी जल्दी जल्दी फ्रॉम द पिचर। सो क्रेन एट अप ऑल द खीर। इसे क्या हुआ, ये जो जो सारस था वो क्या किया, पूरा खीर खा गया। फॉक्स लर्नड हिज लेसन। बच्चे क्या हुआ, ये जो लोमड़ी थी, इसे अपना किए का पछतावा हुआ और इसे सीख मिल गई। शी लर्नड हर लेसन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।